आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ वाइज ऐप फॉर टीचर्स। इसी के साथ साथ हम लोग कंपेयर भी करेंगे टीचमिंट एंड वाइज ऐप को। तो टीचमिंट पर ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे आ चुका है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइज ऐप देन कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और साइन अप करना है। देन आपको एक OTP आएगा, वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। देन अपना नाम यहाँ पे डाल दो और अपना प्रोफाइल चूज कर लो। आप टीचर हो तो टीचर चूज कर लो। देन सबसे पहले अपना क्लासरूम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे अपना क्लासरूम का नाम डाल दो, सपोज 10th, 9th, and 11th। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट एंटर कर दो अपना, तो मैं यहाँ साइंस एंटर करूँगी। देन क्लास का टाइमिंग, तो अगर मंडे को क्लास होता है तो ये इनेबल कर दो, अगर मंडे टू फ्राइडे होता है तो ये सारे डेज आप इनेबल कर सकते हो। देन यहाँ पे अपना टाइम सेट कर दो, सपोज 11। देन ट्यूसडे का टाइम सेट करते हैं। तो टीचमेंट में क्या होगा, अगर आप मंडे को जो टाइम सेट करोगे ना, वही टाइम आपका बाकी के डेज को भी लग जाएगा, तो आपको ये हर डे के लिए अलग अलग सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आपका टाइम टेबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन आपका क्लासरूम आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एंड अब आपको स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है, तो यहाँ पे इन्वाइट स्टूडेंट्स पे जाओ। देन यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो जाएगा, वो आप व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर सकते हो, अपने ग्रुप में डाल दो मैसेज। अगर आपके स्टूडेंट्स इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा। देन आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगा अपने स्टूडेंट की तरफ से, अगर ये आपके स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे टिक कर दो। देन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है डिस्कशन का, तो आप यहाँ से ऐड डिस्कशन कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल दो, सपोज केमिकल रिएक्शंस, देन उसके रिलेटेड डिटेल्स। अगर आप इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं चाहते तो टर्न ऑफ कमेंट्स आप कर सकते हो। देन यहाँ पे आप फाइल अटैच भी कर सकते हो, तो PDF या इमेज आप यहाँ से डाल सकते हो। एंड देन क्रिएट कर दो, तो ये डिस्कशन क्रिएट हो चुका है। तो इसके रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे वो कमेंट करके आपको पूछ सकते हैं और आप भी उन कमेंट्स को रिप्लाई कर सकते हो। तो ये डिस्कशन वाला फीचर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से टीचर स्टूडेंट दोनों ऑनलाइन डिस्कस भी कर पाएंगे। देन यहाँ पे ये मेरा मैसेज डाल दिया मैंने। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट का, तो यहाँ पे आप MCQ टाइप ही टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन टीचमेंट में आप ओपन माइंडेड क्वेश्चन का टेस्ट भी ले सकते हो आप। देन यहाँ पे टेस्ट का नाम डाल दो, देन अपलोड कर दो या टाइप भी आप कर सकते हो क्वेश्चन पेपर। देन क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे वो डाल दो। देन आप ऑप्शंस कितने रखना चाहते हो हर क्वेश्चन के लिए वो भी डाल दो। देन यहाँ पे आप JPG, PNG और PDF फाइल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेज एंटर कर दिया है, तो हम और एक पेज डालेंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन पेपर में। देन हमें आंसर मार्क करने हैं, ये साइड में आपको मार्कशीट मिल जाएगा, सॉरी आंसर शीट मिल जाएगी, उसमें आपको करेक्ट क्वेश्चन मार्क करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जैसे कि किस टाइप की आपकी एग्ज़ाम है वगैरह वगैरह, कौन से चैप्टर के ऊपर है ये एग्ज़ाम, वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। देन मार्किंग स्कीम है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। देन यहाँ पे ड्यूरेशन एंटर कर दो मिनट्स में। देन आप इस टेस्ट को प्रैक्टिस टेस्ट भी बना सकते हो, तो अगर प्रैक्टिस टेस्ट होगा तो स्टूडेंट इसे कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे डेट एंड टाइम डाल दो। देन इसका एंड टाइम भी आप डाल सकते हो। देन अगर आप चाहते हो इनकरेक्ट आंसर के लिए कुछ मार्क डिडक्ट हो, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई चूज कर सकते हो। लेकिन टीचमेंट पे आप पेनल्टी जो मार्क्स होंगे वो कितने भी सेट कर सकते हो, सपोज -7, -8। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम कर देते हैं। देन हमारा ये टेस्ट क्रिएट हो चुका है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको।
देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिसोर्सेज। तो अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ने के लिए देना चाहते हैं, सपोज बुक्स है या यूट्यूब वीडियो है, कुछ आर्टिकल की लिंक है, तो आप यहाँ से उन्हें अपलोड कर सकते हो। तो यूट्यूब वीडियो ऐड करने के लिए URL डाल दो एंड उसका नाम डाल दो ताकि स्टूडेंट को समझ जाए, एंड देन सेव कर दो। तो यहाँ से आपके स्टूडेंट्स जो आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उन्हें वो एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगी। देन इस फोल्डर के अंदर केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी कुछ मटेरियल होगा वो मैं ऐड कर दूंगी। तो इसे सेव कर दो एंड यहाँ से आप फाइल्स या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर असेसमेंट है तो असेसमेंट का नाम डाल दो। देन यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट या आप इमेज ऐड कर सकते हो। देन यहाँ से आप वॉइस इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो अगर इस असेसमेंट के रिलेटेड कोई है तो। देन डिस्क्रिप्शन एंड इसके मार्क्स डाल दो। देन डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर दो आप। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए डेली कुछ असेसमेंट लेते हो ना तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देन क्रिएट कर दो। तो हमारी असेसमेंट भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अटेंडेंस आपका लाइव क्लास होने के बाद यहाँ पे दिख जाएंगी। देन यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। देन यहाँ पे फीस का ऑप्शन भी है तो आप यहाँ पे अपने क्लास की फ़ीस एंटर करके रख सकते हो ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। तो यहाँ पे वन टाइम और मंथली ऐसे दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करके रख दो। देन अगर मंथली है तो स्टार्ट मंथ और एंड मंथ आप यहाँ पे डाल दो। तो मैं वन टाइम रख दूंगी और सपोज 3000 है। देन यहाँ पे आप पेमेंट रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज किसी स्टूडेंट ने फीस नहीं भरी तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, और ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट फीस नहीं भर पाता है तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इतने कठोर मत बनो यार, और सेव कर दो। देन यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितनी फ़ीस ड्यू है और कितनी फ़ी जमा हो चुकी है, तो इसलिए आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। देन सेटिंग्स में देखते हैं। देन अगर आप चाहते हो कि जूम ऐप के थ्रू भी कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पाए तो आप ये इनेबल कर दो। इससे क्या होगा कि आपका क्लास है वो जूम पर भी लाइव हो जाएगा और वहाँ से स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएंगे। देन यहाँ पे कमेंट्स और डिस्कशन के लिए आप इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे को टीचर्स का। अगर आपके साथ कोई पार्टनर भी है टीचर तो यहाँ से ऐड को टीचर कर दो, तो वो लाइव क्लास भी ले पाएगा और डिस्कशन असेसमेंट वगैरह क्रिएट भी कर पाएगा। लेकिन को टीचर ऐड और रिमूव स्टूडेंट नहीं कर सकता, फ्री डिटेल्स भी नहीं देख सकता और मॉडिफाई भी क्लासरूम को नहीं कर सकता। देन लास्ट ऑप्शन है डिलीट क्लासरूम का। तो अब हम एक लाइव क्लास लेके देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ज्वाइन फ्रॉम जूम ऐप किया था, इसलिए ये क्लास जूम पे भी लाइव होगी। देन यहाँ पे मिडल पे टच कर दो और आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे म्यूट अनम्यूट ऑडियो वीडियो आप कर सकते हो। देन यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी है जहाँ से आप फोटो डॉक्यूमेंट स्क्रीन या व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर सकते हो अपने स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पे आप वेब URL भी शेयर कर सकते हो, जो फीचर आपको टीचमेंट पे नहीं मिलता। देन यहाँ पे हम जूम पे देखते हैं। तो यहाँ पे मीटिंग ID और पासकोड जनरेट हो जाएगा, वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो एंड देन स्टूडेंट्स जूम से भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते जूम ऐप से कोई कनेक्ट करे तो मैंने वो जो बताया आपको ज्वाइन फ्रॉम जूम वो फीचर आप डिसेबल कर दो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट्स देख सकते हो किस किसने ज्वाइन किया है एंड उनको आप म्यूट ऑल भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको वर्चुअल बैकग्राउंड का फीचर मिलेगा, तो यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हो जैसे जूम पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर आपको टीचमेंट पे नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं। देन यहाँ पे एंड पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आप मीटिंग सबके लिए एंड कर सकते हो या खुद भी मीटिंग छोड़ सकते हो। देन आपको अटेंडेंस में चेक करना है। तो यहाँ पे आपको टोटल अटेंडी कितनी है वो दिखेंगे और किसने कितनी परसेंट क्लास अटेंड किया वो भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। तो ये था वाइज ऐप का पूरा ओवरव्यू। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो
और अगर आपको टीचमेंट कैसे यूज़ करना सीखना है, आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, दोनों वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।